वैसे तो दुनिया में आदमखोर जानवरों की कोई कमी नहीं है, मगर इंसान सबसे ज्यादा किसी से घबराता है तो वो है रेप्टाइल। रेप्टाइल की प्रजाति, जिसका कारण इनका जहरीला और जानलेवा व्यवहार है। इन प्रजातियों में भी सबसे भयानक सांप होते हैं। इनके द्वारा किया गया एक बार बड़े से बड़े बलवान शिकारी को भी हिलाकर रख देता है। लेकिन क्या हो अगर ऐसे में दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली सांप किंग कोबरा और एनाकोंडा की लड़ाई हो जाए? क्या हो जब ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं? तो इस लड़ाई में किसकी जीत होगी और किसकी हार? एक तरफ जहाँ किंग कोबरा दुनिया के सबसे लंबे जहरीले सांप होते हैं, दूसरी तरफ एनाकोंडा धरती पर मौजूद सबसे विशालकाय सांप का सरताज माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस लड़ाई में कौन पड़ेगा किस पर भारी। तो सबसे पहले बात करें किंग कोबरा की, तो ये संसार के सबसे लंबे जहरीले सांप माने जाते हैं, जिनकी लंबाई अमूमन 18 से 20 फीट होती है, मगर ज्यादातर 13 फीट ही देखने को मिलते हैं। इनका साइंटिफिक नाम ऑफियोफैगस हैना है, जो वजन में 6 से 9 किलोग्राम तक हो सकते हैं। वहीं एनाकोंडा दुनिया में मौजूद सांपों के प्रजातियों में सबसे विशालकाय सांप माने जाते हैं। इनकी लंबाई 25 से 30 फीट और डायमीटर 12 इंच तक हो सकता है। इनका साइंटिफिक नाम यूनेक्टिस मुरेनस है, मगर ये वाटर बोआ, कॉमन एनाकोंडा जैसे अनगिनत नामों से जाने जाते हैं। एक स्वस्थ और एवरेज एनाकोंडा लगभग 550 पाउंड यानी कि 250 किलोग्राम जितना भारी हो सकता है, जो किंग कोबरा के मुकाबले काफी ज्यादा है। दोस्तों, किंग कोबरा बाकी सांपों के मुकाबले इंटेलिजेंट और समझदार होते हैं। इन्हें अपने आसपास हो रही गतिविधियों का काफी तेजी से अंदाजा लग जाता है। यमुमन भूरे, काले, हरे अथवा इन कलर के कॉम्बिनेशन से बने रंग के होते हैं, और ये ज्यादातर इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और म्यांमार में पाए जाते हैं। इन्हें ठंडे इलाके जैसे वर्षावन और जमीन के नीचे पेड़ की झाड़ियों में रहना काफी रास आता है। भारत में इन्हें भगवान शिव के गले में विराजमान नाग देवता भी माना जाता है, जिसके कारण लोगों की इनसे काफी आस्था जुड़ी हुई है। वहीं एनाकोंडा एक अच्छा तैराक माना जाता है, जो जमीन के मुकाबले पानी में काफी फुर्तीला और तेज होता है। ये ज्यादातर साउथ अमेरिकन कंट्रीज जैसे ब्राजील, पेरू, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर जैसी जगह पर अमेजोन और ओरिनोको के हल्के पानी में पाए जाते हैं। बात अगर इनके जानलेवा व्यवहार की करें तो किंग कोबरा कैनिबालिस्टिक एनिमल होते हैं, जिसका मतलब वो सांप जो जरूरत पड़ने पर दूसरे सांपों को भी खा सकता है। ये खतरा महसूस होने पर पहले हिसकी ताकतवर आवाज से सामने वाले को डराते हैं और फिर भी ना मानने पर एक साथ इतना जहर छोड़ देते हैं जिससे 20 से 40 लोगों की मौत आसानी से हो सकती है। इनका जहर अस्फाग सी शंट के माध्यम से काम करता है, जिसमें शरीर में लंग्स, हार्ट और नर्वस सिस्टम जाम होने लगते हैं और समय पर इलाज ना मिलने पर मौत हो सकती है। ये जहर इतना शक्तिशाली होता है कि एक अकेले हाथी को भी कुछ ही देर में खत्म करने की क्षमता रखता है। किंग कोबरा स्वभाव के बड़े शर्मीले होते हैं, जिसके कारण इन्हें इंसान के सामने आना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। हालांकि खतरा महसूस होते देखकर ये उन पर हमला करने से भी नहीं पीछे हटते। वहीं एनाकोंडा एक विशालकाय शरीर वाला गैर जहरीला सांप है, जो शिकार को अपने मजबूत मसल्स के थ्रो से चकनाचूर करके या फिर उसका दम घोटकर मार कर गिराता है। ये शिकार करते समय सिर्फ अपनी आंखें और नाक के ऊपरी हिस्से को यानी ऊपरी सिरे को आगे रखकर बाकी पूरी बॉडी को छुपा लेता है। नतीजा मौका मिलता है शिकार को पूरी ताकत से एक ही बार में जकड़कर धराशायी कर देता है अपने फ्लेक्सिबल और मजबूत जबड़ों के माध्यम से। ये बड़े से बड़े जीव को निकलने की हिम्मत रखते हैं। वैसे तो इन्हें खाने में कछुआ, हिरण, जगुआर, जंगली सुअर, चिड़िया जैसे जानवर काफी पसंद है, लेकिन इसमें भी विशालकाय जीव को भी खाने की क्षमता रखते हैं। एनाकोंडा एक बड़े भोजन के बाद कई हफ्ते या फिर यूं कहें महीनों तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। डायुर्नल होते हैं, इसका मतलब दिन में शिकार करने वाला सांप होता है, जबकि इनकी आई साइट बाकी सांपों के मुकाबले काफी तेज होती है। इनके इनकबशन का पीरियड 60 से 90 दिन का होता है और ये प्रजनन क्रिया के वक्त 20 से 50 अंडे देते हैं, जो अमूमन 14 इंच के होते हैं। किंग कोबरा के बच्चों में भी जहर मिलता है, जिसके कारण इनसे दूर रहने पर ही हमारी भलाई है। किंग कोबरा का जीवन काल 20 वर्षों तक का होता है। वहीं एनाकोंडा किसी भी समय भूख लगने पर शिकार कर सकता है। साथ ही प्रजनन क्रिया के वक्त मादा एनाकोंडा 20 से 40 अंडे देती है, जो पैदा होने पर 2 फीट लंबे हो सकते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मादा एनाकोंडा मैटिंग के बाद कभी कभार अपने साथी नर एनाकोंडा को खा लेती है। इनका जीवन काल 10 से 12 साल तक होता है। तो दोस्तों, ये रही इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं। चलिए अब बात करते हैं इनके बीच होने वाली लड़ाई में जीत किसकी होगी।
वैसे तो अलग अलग ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन में रहने के कारण दोनों का एक दूसरे से सामना होना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ तो लड़ाई टक्कर की होगी। एक तरफ जहां एनाकोंडा को अपने विशाल शरीर का फायदा मिलेगा, तो वहीं किंग कोबरा को अपने जानलेवा जहर का। इस लड़ाई में एनाकोंडा तभी जीत सकता है अगर वो किंग कोबरा को अपने मजबूत बाजू में जकड़कर उसके डसने से पहले ही उसे मार दे, वरना किंग कोबरा के कुछ ही बूंद जहर से उसका काम तमाम हो जाएगा। दोस्तों पॉसिबल ये भी हो सकता है कि इस जंग में दोनों की मृत्यु हो जाए, क्योंकि जब तक किंग कोबरा का जहर एनाकोंडा के विशाल का शरीर में पूरी तरह फैलेगा, उतनी देर में शायद एनाकोंडा किंग कोबरा को मसल का रख देगा। वैसे दोस्तों आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हो तो हमारे चैनल स्काईपीडिया को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।